नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से लव जिहाद के ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं जहां मुस्लिम युवक अपना मजहब छिपाकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराकर निकाह करते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें यातनाएं देते हुए या तो छोड़ देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। इसी बीच झारखंड के बोकारो के एक कॉलेज में बीकॉम में पढ़ रही छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां राजू उर्फ आरजू मलिक नाम के युवक ने अपना धर्म छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक घर में माला पहनने के बाद सिंदूर डालकर शादी की, शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाया। दोस्त ने जब आरजू नाम से पुकारा तो भेद खुला। युवक ने यह भी छिपाया कि वो पहले से शादीशुदा है। उसने विरोध किया तो आरजू ने वीडियो वायरल कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा आरोपी ने अपने वाहन चालक और दो दोस्तों से दुष्कर्म कराया, जिसके बाद महिला थाने में युवती ने अपना दर्द बताया है। पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। युवती ने बताया कि उसके पड़ोस में एक युवक आता था, उसने अपना नाम राजू बताया था, उससे उसकी दोस्ती हो गई, जिसके बाद युवक ने शादी का प्रस्ताव दिया, कहा कि मैं हिंदू हूं। अपने शादीशुदा होने की बात भी उसने नहीं बताई। 17 जनवरी को कॉलेज गई थी, यहीं पर वो आ गया, अपने साथ कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक आवास में ले गया। वहां पंडित समेत पहले से 3 लोग थे। आरजू ने उससे माला पहनाई और खुद भी पहन ली, मांग में सिंदूर भर दिया। उसके बाद बोला कि पहले अपने माता पिता को समझा लो, तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। फिर शारीरिक संबंध बनाकर धोखे से वीडियो बनाया। दरअसल एक दिन उसके साथी ने जब उसे आरजू नाम से पुकारा तो पीड़िता ने सच्चाई जाननी चाहिए, तो युवक ने कहा कि वो मुसलमान है और शादीशुदा भी है। उसके बाद धमकाया, कहा कि उस पर पहले से कई केस हैं, हमारे दोस्तों को भी खुश करो। इसके बाद उसके चालक जालिम समेत 3 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, इसका भी वीडियो बनाया। उसके बाद उसने धर्म प्रवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई है और आरोपियों की धरपकड़ करने में जुट गई है। तो इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद की घटनाएं अब भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बन चुके हैं। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।